आणि स्वयं स्थानी आज जो जो काम हुआ है एक राज के लिए पढ़ने लगा कमाई जमीन है जमीन से गर्मी पै रही है, गर्मी पैना हवा गर्म हो जाएगी और गर्म हवा हो गया हवा ऊपर उठेगी, गर्म चीज हमेशा ऊपर उठती है ठंडी हवा होती है, जब हवा गर्म होगी ऊपर उठेगी तो जगह खाली हो गई, खाली रहेगी फायदा तो हवा तेजी न आएगी उस जगह पड़ना है, खाली जगह हो गई है जगह खाली करती हवा कटती इतने हवा उत्ते गर्म हो गए चले गए वो फायदा तो हवा गर्म हो गया है जो हवा गर्मी ने तेज कर दी है और तेज हवा इसका आएगी तो तेज हवा आएगी वो फिर आंधी बन जाती है। अच्छा दूसरा प्रदेश पहाड़ा से जान लगे ठंड क्यों पड़ी है इतने ठंड क्यों पड़ी है इतने गर्मियों ने पहाड़ा देखो जाते हैं ठंड होती है गर्म हवा गर्म हवा होके ऊपर उठेगी ऊपर जाएगी ऊपर जाके ये हवा जो गर्म है ना वो एक्सपेंड कर दी फैल दी जो फैल दी है गर्मी रहती है जो एटमॉस्फेयर से गर्मी लेगी तो एटमॉस्फेयर ठंडा हो गया उतों की हवा जो गर्मी लेके थले की हवा फैलती है ठीक है और जो फैलती है वो गर्मी नहीं होते जो ठंडी हो गई हाल से ठंड पड़ी है और इतने गर्मी नहीं आज भी नहीं है यह टेम्परेचर जो है कि 0 डिग्री होता है ठंडा होता है पानी क्यों आ जाएगा देखोगे इतने पानी आया पानी हो जाता है कौन पानी आएगा पानी कितना आएगा बर्फ के अंदर है गिलास है गिलास के अंदर बर्फ आती है थोड़ी देर में मैं देखूंगा बाहर जला के इतना पानी पानी हो जाएगा क्यों पानी हो जाता है गर्मी के कारण पिघल गर्मी लैके बर्फ पिघलेगी और हवा दे विच पानी आता है हवा दे विच हमेशा पानी आता है जिसको असि अंग्रेजी च मॉइस्चर कहते हैं ये हवा का पानी जो है जो ठंड लगती है ये हवा का पानी जो वेपर से वो ये पानी बन जाता है ठंड ये हवा ठंड की लगती है समझो अगर जो बहुत वीडी सीधी बर्फ ही लगती है इतने इतने चारों ठंड हो जाएगी तो ठंड होगी नाल की हवा तो गर्मी लेगी बर्फ पिघलेगी
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹਨੇਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ 100 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ठीक है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भाप बननी शुरू हो जाती है फ्रॉम 0 टू 4 भाप निकलती है करेक्ट अब ये जो यहां की जो हवा है ना ये वाली जो हवा यहां बाहर वाली जो हवा है ये 4 डिग्री से ऊपर इसके भाप बनी हुई है तो जब ये हवा यहां पे इस ग्लास के साथ टच करती है तो उसका टेंपरेचर इस ग्लास का टेंपरेचर वो 4 डिग्री से नीचे हो जाता है तो 4 डिग्री से जब नीचे होता है तो ये जो हवा का जो वेपर है ना जो भाप है वो कंडेंस हो जाती है ओके इसको बोलते हैं कंडेंसेशन ये कंडेंस हो जाती है और वहां पे पानी आ जाता है ओके वो हवा का जो पानी है ना जो थोड़ी देर ऊपर था वो बन जाता है करेक्ट है जगने प्रकार सपना ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਠੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬੱਚੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਜਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਦਵਾਂ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਿੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਬਸ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ